आपको सीधा मिलाते हैं द वन एंड ओनली द स्टार गेस्ट सागर गोस्वामी। तो मेरे को ये बताओ सागर, जिस समय आपका पहला वीडियो वायरल हुआ था उस समय आपका जो एज था काफी छोटा दिखाई देता था। आपको नेहा जी के साथ काम करने का ऑफर आया, आपकी उस वक्त फीलिंग क्या थी? सुनना, कल एक सूट है तो मुंबई आना है। ऐसे कैसे मुंबई आना, अभी बोल रहा कल सुबह से मुंबई पहुंचना है। किसका सूट है, क्या है वो? नेहा का करता है। बोले कि मेरे साथ कभी किसी टिकटॉक हेटर ने आपको छपरी बुलाया है? अगर आपको कोई 1 करोड़ ऑफर करता है तो क्या आप न्यूड फोटोग्राफी के लिए तैयार होंगे? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बी रियल बज, स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहन सरकार, और मेरे साथ हैं धीरज एके अलादीन। और हर बार की तरह आज का हमारा ये एपिसोड भी ना बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो टिकटॉक के ज़माने के भी स्टार रह चुके हैं और अभी रील के ज़माने के भी स्टार हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आपको सीधा मिलाते हैं द वन एंड ओनली द स्टार गेस्ट टुनाइट, सागर गोस्वामी। सो सागर भाई, कैसा लग रहा है हमारे सेट पर आकर? बहुत मस्त लग रहा है। आगे बढ़ने से पहले पूरी बी रियल टीम के तरफ से मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे शो को दिया। थैंक यू सो मच, और हमने भी आप लोग को बहुत वेट कराया। अभी सब चंगा है ना? एकदम मस्त है। चलो कंफर्टेबल है सागर भाई। सागर भाई, हाँ, आप बिलोंग कहाँ से करते हो? हम झारखंड कोडरमा से करते हैं, एक छोटा सा गाँव है डोमचाच, वहाँ पर एक बहुत ही हम लोग के घर के साइड से बहुत ही फेमस जगह नाम से है, वो नाम है चौकी नंबर 11। जी जी, जो हम लोग के गांव से है ना उन लोगों को पता है कि वो जगह का नाम कितना वो लोग क्या किस टाइप से यूज करते हैं उस चीज को। तो बस हम झारखंड कोडरमा डोमचाच से हैं। आपके फैमिली के बारे में आप कुछ बताओ। मेरा फैमिली में हम सिंगल हैं, मेरा मम्मी पापा का हम एक ही लड़का है, दो मेरी सिस्टर है। ओके, बस। और मम्मी पापा है, एक शादी हो चुका है मेरी बड़ी बहन का, और घर में सबसे छोटा हम ही है। ओके, तो अभी जो आपके साइड से एक वर्ड आया है कि सिंगल है, तो सिंगल किस चीज में? ठीक है, मतलब अपने घर पे? हाँ, घर पे सिंगल बेटे हैं, घर पे अकेला है। अच्छा, घर पे एक। आपके पेरेंट्स ऐसा, मतलब पेरेंट्स को कभी डर नहीं लगा? हाँ, बहुत। एक लौता लड़का है, बहुत वो भी टिकटॉकर बन गया है, ऐसा कभी? नहीं, टिकटॉकर बना, मतलब टिकटॉकर इन द सेंस कि इस फील्ड में आ गया, जहां पर इस फील्ड में वो लोग को मैं बताऊँ ना, वो लोग को अभी भी पता नहीं है कि मैं क्या वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ मेरे पापा देखते हैं, मेरी मम्मी अभी नहीं देखती है। मेरी मम्मी के साथ हम अभी तक नहीं डाले हैं फोटो इंस्टाग्राम पर, उनका सिंगल फोटो हम लगाए हैं स्टोरी वगैरह पर, बट उनके साथ हम कभी नहीं, क्योंकि मम्मी मेरे साथ कभी फोटो क्लिक करवाती ही नहीं है। नहीं नहीं, मेरे साथ मत करवा, हम नहीं, ऐसे करके चुप हो जाती है। मेरी मम्मी को कुछ मतलब नहीं हम क्या वीडियो बनाते हैं, अगर वीडियो में गाली भी दे दी है ना, पापा हमको कुछ नहीं बोलेंगे। हम वीडियो में कोई वीडियो मेरा जरूरत पड़ता है कि उसमें हम हल्का सिगरेट जलाएं, जलाते हैं, बनाते हैं वीडियो, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है कि हाँ, वो लोग को पता है कि हम सिर्फ वीडियो के लिए ही कर रहे हैं। उन लोगों को पता है तो हमको कुछ कोई कुछ बोलना आता नहीं है। तो मेरे को ये बताओ सागर जी, कि जिस समय आपका पहला वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, ठीक है, उस समय आपका जो एज था काफी छोटा दिखाई देता था, हाँ, ठीक है, मतलब अभी तो काफी लंबे चौड़े बड़े बड़े अभी दिखाई दे रहे, मैच्योर दिखाई दे रहे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से अगर लेके चले तो काफी एकदम बचकाना चेहरा था, छोटा सा बच्चा, ठीक है, और वो रील बना रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताओ कि अभी आपकी एज क्या है, और उस टाइम पे जब सब कुछ शुरू करा था तो क्या एज था, और जब वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद फिर फैमिली का रिएक्शन क्या था? तो सबसे पहले तो उस टाइम का 5 साल से भी ऊपर हो चुका है। अच्छा। वो वीडियो का, तो वो वीडियो का स्टोरी कुछ ऐसा है कि हम सबसे पहले तो हम वीडियो बना रहे लगभग 6 से 7 साल से, मेरा घर तरफ को जो फ्रेंड्स वगैरह सब लोग साथ में बनाते थे वीडियो, और वीडियो बनाते थे घर से भाग के। अच्छा, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड है अभिजीत, जो पहले स्टार्ट वही किया वीडियो बनाना, सबसे पहले हम लोग को म्यूजिकली वो दिखाया कि कुछ ऐसा वीडियो है, वो बनाता था, दिखा रहा था हम लोग को दिखने में अच्छा लगता था, हंसी वाला कुछ उस टाइम का, मतलब कुछ 2x करके उस टाइम बहुत चलता था।
तो हम लोग जाते थे घर से भाग के 5-5 किलोमीटर बाइक लेकर के, घर से बाहर लेके गए, स्टैंड वगैरह लेके उधर जाकर वीडियो बनाए, फिर घर तरफ आए, घर तरफ आके किसी को दिखाते नहीं थे वीडियो कि हम वीडियो भी बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं सो। तो धीरे धीरे वीडियो बनाते थे तो एक दिन क्या हुआ कि एक वही जो सॉन्ग जो मेरा है तेरी प्यारी प्यारी दो आँखें, तो वो सॉन्ग ना मेरे में 2-3 बार आया। तो उस दिन हम देखते थे कि एक संकेत करके, शायद आप लोग को नहीं पता होगा उसके बारे में, संकेत करके नाम था टिकटॉक पे, जो कि ये सब के मामले में सबसे ऊपर वही था। अच्छा, उस टाइम पे सबसे ऊपर मतलब वही था कि इमोशनल वीडियो, जो सैड वीडियो बनता है उसको, तो हम उसको देखते थे उस टाइम पे। तो हम सोचे कि इसी तरह का, इसी के जैसा एक वीडियो हम भी बनाते हैं थोड़ा रो करके, मतलब उस टाइम टाइम था, मतलब कि उस टाइम बज रहा था 11, हम सुबह उठे हैं, मतलब अपना वैसे नाश्ता वास्ता किए हैं, उठे गए छत पे, उस टाइम छत के ऊपर कुछ प्लस्तर वगैरह नहीं था, वो ईट ईट दिख रहा था, ठीक है। गए छत पे जा करके फ़ोन रखे, हम बोले कि हम रोएं कैसे, अब रोने का तो है नहीं कि मेरा कुछ हो गया है, छोटा है इतना, हम रो कैसे जाएं इसमें से। तो गए और एक पता है ना नवरत्न का तेल होता है पूरा, हम बोले तो हल्का सा उसको फाड़े ना, तो मेरा आँख पूरा लहरने लगा, उसको आँख में लगाएं, आँख में लगाने के बाद पूरा इधर पूरा रेड, मेरा इधर पूरा रेड और आँख से आंसू निकल रहा, हम सच में रोने लगे उस टाइम पे। बोले अब इसको स्टॉप कैसे करें, अब ऐसे ही मैं उठे वीडियो बनाए, अब पता नहीं मेरा माइंड क्या किया कि तेरी प्यारी प्यारी दो, हम ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, कि ये मेरा ये एक सिग्नेचर स्टेप बन जाएगा मेरा, कि इसी के नाम से हमको सब जानेंगे कि हाँ ये मुंडी हिलाता है लड़का ऐसा करके कुछ। अभी भी मेरे में पता है कमेंट आता है, मुंडी हिलाइए ना सर, क्या नाम है आपका ऐसा करके कुछ नाम आता है। अच्छा, सिर्फ मुंडी हिलाने को कहते हैं एक बार शो के, अभी काफी देर हमने मुंडी मैं 2 लाइन गा रहा हूँ आपको, वो एक्सप्रेशन हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपके काफी एक्सप्रेशन वो वाला नहीं आ सकता है, चेहरा है वो वाला, हम खुद बहुत ट्राई किया, फिर भी सागर भाई आई इंसिस्ट, मैं खुद उस मेमोरी को हम लोग भी साथ में करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको फिर से रिकॉल करना चाहता हूँ, और बहुत बहुत बुरा गाता है, पहली बात बता दे रहे हैं, ठीक है, अगर हो पाए आपसे तो कोई बात नहीं, टिकटॉक में एक्सप्रेशन भी पहले बहुत लोग बुरी देकर फेमस हुए हैं, तो अभी मैं गाना गाऊंगा, पर सागर भाई आपकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छी थी उस वीडियो में जो मैंने देखा था, जिसमें आप वायरल, हम खुद ट्राई करते हैं कि आप मेरे से वापस से वो चीज हो जाए, चलो आप आज भी ट्राई करके देखो, हियर वी गो, 3-2-1। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, तड़पाए मुझे सारी रातियां, मैं क्या सारी सारी रात जगना, तेरे बिना दिल नहीं लगना। आप नहीं कर रहे, आप बोले करेंगे, मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, okay. तो मैं आपसे कम्पीट, मैं पता है मुझे कि मैं आपके एक्सप्रेशन अगर देने की कोशिश करूंगा तो जनता मुझे ऐसे ही अभी नहीं, नहीं वैसा कोई बात और नहीं, अगर नहीं, वो नहीं, वाला जो डीजे अभी भी चल रहा है तो आप मतलब हम बता दें कि ऑर्केस्ट्रा में भी गाना वाना गाता है रोहन। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सागर जी। सागर जी, अभी इस शो का मेरे हिसाब से जितने भी आपके ऑडियंस और मैं खुद ये मानता हूँ, जो सवाल अभी मैं पूछने जा रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी के मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि आपने नेहा कक्कड़ जी के साथ भी काम किया है, तो जब पहली बार आपको नेहा जी के साथ काम करने का ऑफर आया तो आपकी उस वक्त फीलिंग क्या थी? उस टाइम पे हुआ ये था ना कि क्योंकि आई थिंक एज एन ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, वो उस टाइम दिसंबर का टाइम था शायद, मे बी दिसंबर। हाँ, तो क्या हुआ ना कि हम वीडियो शूट कर रहे थे ना, शूट करते करते एक मेरा दिल्ली का फ्रेंड था, क्रिएटर था वो भी टिकटॉक पे, तो उस टाइम वो हमको कॉल किया कि सुनना कल एक शूट है तो मुंबई आना है। ऐसे कैसे मुंबई आना, अभी बोल रहा कल सुबह से मुंबई पहुंचना है। नहीं नहीं, वो फ्लाइट्स तुमको सब कुछ कर देंगे। बोले किसका सूट है, क्या है? वो नेहा का करता है। बोले कि मेरे साथ? बोले कि नहीं, साथ में नहीं, और भी बहुत सारे क्रिएटर आ रहे हैं, सबको जो टिकटॉक में वीडियो बनाते हैं। बोले अच्छा ठीक है, तो बता कि ये नेहा कक्कड़ का सॉन्ग है, उसमें टोनी कक्कड़ भी है, ऐसा करके सो। बोले ठीक है, कैसे कैसे क्या करना बताओ हमको। वो बताया ना कि अच्छा ठीक है, एक बार हमको कन्फर्म करते हैं कि हाँ आप आने वाले हैं। बोले ठीक है, बोल दो हाँ कर दो। लेकिन बात यह था कि जाना अकेले है, और वो मेरा फर्स्ट फ्लाइट था लाइफ का, फर्स्ट था, और मेरा फर्स्ट टाइम मेरा मुंबई भी था वो। अरे अकेले जाना, घर में जाके बताएं, सब मना कर रहा है, मत जाओ अकेले, कि उस टाइम मेरा 17 था, एज हुआ था, मत जाओ ऐसा करके।
कैसे कैसे बोलें कि हमको जाने दो, वो लोग बहुत बड़े हैं, ओके वो लोग बहुत बड़े हैं, ऐसा करके कितना मनाने के बाद हो गया, चलो ठीक है अकेले जा सकते हैं। रात में आपको पता ही है मेरा कोडरमा से रांची लगता है लगभग 3 घंटा लगता है पहुँचने में, ठीक है, वो लगभग 200 किलोमीटर वहाँ से है घर से मेरा यहाँ तक। तो हम बोले तुम पहले ये बता, तुम्हारा फ्लाइट तो है सुबह सुबह, लेकिन तुम यहाँ से जाएगा कैसे? लेकिन वो तो हम कर लेंगे, आप लोग खाली हाँ तो बोलिए। हाँ हो गया, फ्रेंड्स सबको कॉल किए, कार वार जुगाड़ कर रहे हैं। तो एक भैया का कार लेकर कोई चल गया है, एक उसका लेकर चल गया है। तो हम लोग को रात में 2 बाइक मिला, कैसे कैसे करके बाइक, उस टाइम मेरे पास बाइक भी नहीं था। तो बाइक वाइक किए 6 लड़का, एक उस टाइम मेरे पापा भी साथ में निकले, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा रांची में ही रहते थे। तो निकले, अब जो मेरा घर है ना डोमचाच, वहाँ से मेन जो कोडरमा है, वो जो स्टेशन है ना, वो कोडरमा वो भी नहीं है, मेन जो कोडरमा है वो 10 किलोमीटर के बाद है मेरे घर से। वहाँ पे जाके बस मिला, हम पापा बैठे गए रांची पहुँचे रात में, सुबह सुबह मस्त पापा का रूम पे वहीं जो है आराम से आराम वराम किए। उसके बाद फिर ऑटो पकड़ के सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद वहाँ पापा थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे कि अकेले जा रहा है ऐसे करके। हम बोले अब पापा हमको दिखा नहीं रहते कुछ भी कि हाँ ये इमोशनल हो रहे हैं कुछ भी, हंसते हंसते हमको बोल रहे ठीक है जाओ। एक आदमी मिला कि हल्का इसको बता दीजिएगा, इसको उतना नॉलेज नहीं है फ्लाइट वगैरह में, कैसे क्या बोर्डिंग पास करना है, कहाँ से क्या चेकअप कराना, चेकिंग करना है, लगेज वगैरह सब कुछ वो लोग बता दिया, बोला ठीक है चेक चल जाएंगे हम। तो पापा जब निकले ना, तो हम घर आने के बाद हमको मम्मी बताई कि पापा रो रहे थे ऐसे करके फ़ोन करके कि सागर चल गया ऐसे करके, कि उनको पता नहीं है प्लेन वगैरह क्रैश भी होता है, ये होता है, उन लोग को तो डर एक होता है ना कि हाँ कि चल गया है, पता नहीं कैसे आएगा जाए, चल गया है। गए आराम से बैठ करके विंडो सीट का बात किए, ठीक है अंदर एक नहीं हाँ सबसे मेन तो हम भूल गए, क्या हुआ था ना कि हम अपना आईडी जो था मेरा आधार कार्ड वही लेके जाना भूल गए थे हम। और वहाँ पर ऐसा है ना, उस टाइम पे मेरे ख्याल से आपका जो डिजी लॉकर है ना, उस टाइम वो भी नहीं लेता था वहाँ पर। वहाँ पर आपको सामने चाहिए प्रूफ कि हाँ आपका आईडी ही है, और हम तो छोटा जा रहे थे अकेले, सबको लग रहा कि लड़का को कहीं कुछ यहाँ से वहाँ भगा दे रहा है, ये कर रहा है, हाँ ये कर दे रहा है। तो नहीं आईडी चाहिए तभी आपको जाने देंगे अंदर, और मेरा फ्लाइट मतलब कि खुलने वाला है 15 मिनट में, अब बोर्डिंग पास अभी तक मतलब कि लिए नहीं है। लेकिन हमको बोला कि आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, हम आपको दिलवा देंगे, काउंटर बंद हो गया पता है, लेकिन आपको दिलवा देंगे हम, आप पहले आईडी लेके आइए। क्या करें। एक क्या हुआ, वहाँ का जो स्टाफ है, वहीं का जो काम करता है एयरपोर्ट में, वो हमको पहचान लिया, कह रहे हम इसको जानते हैं सागर है ये। हम उसको बताया देखो भाई मेरा ऐसा सूट है और हमको जाना भी है, कुछ करो। बोला हाँ हम करते हैं, आप अपना नंबर में बताओ सब कुछ, नंबर बताएं। वो मेरा आधार कार्ड निकाल के दे दिया, वेबसाइट वगैरह से दिखाया, वो बोला कि इस टाइम नहीं देंगे, बोला कि हम जानते हैं सागर, मेरा आईडी वगैरह दिखा दिया वहाँ पर। और मेन बात है ना कि एयरपोर्ट में नेटवर्क भी अच्छा नहीं चलता है, नेटवर्क नहीं चलता है। तो एंट्री हमको दे दिया, बोला कि ठीक है चल जाओ। हम बोले बेटा जा तो रहे वापस आएंगे कैसे, आधार कार्ड तो वहाँ पर भी नहीं है मेरा, वो तो ज़्यादा वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से वापस कैसे आएंगे हम। तो बोला चलो आप जो होगा देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वहाँ से चल गए। अब जाने के बाद जो है एयर होस्टेस जो होती है लड़की, वो भी पहचान ली हमको, बोली हमको विंडो सीट चाहिए। तो बोले ठीक है आपको दिलाते हैं हम, कैसे कैसे करके एक जगह खाली मिला तो हमको जाके बैठा दिया वहाँ पर, चलो ठीक है वहाँ पर गए। उसके बाद सूरत में मेरे बड़े पापा रहते थे, वहाँ पर काम करते हैं गारमेंट्स का, और मेरा जो भैया है उनके बेटा वो भी वहीं पर रहते हैं। तो पापा वहाँ से कॉल कर दिए कि सागर वहाँ जाके पिकअप साथ में रहना तुम लोग सब। तो वहाँ एयरपोर्ट में उतरे, वो लोग आए, एक क्रिएटर भी थे, क्या नाम था उसका, रूही ऐसा करे कुछ नाम था, साथ में मिली, हम दोनों साथ में निकले, मेरे बड़े पापा मेरे भैया साथ में गए, होटल वगैरह गए, जाके बैठे बैठे आराम से, जो हम लोग को बुलाया था जो मैनेजर था, बात किए, बोला कि फटाक से 2 घंटा तुम लोग रिलैक्स कर लो, खाना वाना खा लो। अच्छा नेहा कक्कड़ जी के काम के लिए आप गए थे ना मुंबई, तो अगर आपको नाम याद हो उस होटल का जहाँ पर उन्होंने आपको रखवाया था। हम लोग अंधेरी में थे, होटल का नाम ना सारा पता है, ट्रेजेडी बताया ना अभी सागर की, अभी मतलब जहाँ पे भी जा रहा है वहाँ पे कोई ना कोई पहचान जा रहा है, और उसके बाद फिर इसका काम निकल जा रहा है कि आप भाई अंदर आइए, अरे पहचान रही है आपको ऐसा मेरे, ये हम जो सच बता रहे हैं, एक मोमेंट पे हमको भी लगा ना कि आप बोलने वाले हैं कि अभी फ्लाइट जो चला रहा था वो भी आपको पहचाना, बोला कि भाई ये जो मेरा ये फेमस होने के कारण ना, मतलब बहुत जगह हमको हेल्प मिला है, बहुत जगह पे पहचाना हमको, उस जगह से हमको बहुत जगह हेल्प मिला, जहाँ जहाँ हमको मतलब चाहिए था कि हाँ यहाँ पर थोड़ा हमको कि मतलब ऐसा होता नहीं है कि मतलब यहाँ पर हमको कोई कुछ पहचान ले कि हमको ये चीज़ मतलब कि ये काम करना है वो हो नहीं पा रहा है,
तो उसके थ्रू वो चीज़ हो जा रहा था। हाँ, तो हम लोग कहते कि होटल का नाम को याद नहीं है उतना कि कौन सा होटल था। हम लोग को 2 घंटा टाइम दिया, फटाफट कर लो, खाना वाना खाओ, रेस्ट करो, तो तुरंत सूट होगा कहीं कहीं, क्योंकि शाम से लेकर रात भर सूट होने वाला है। खाना वाना खाएं सब लोग, ठीक है। हम बड़े पापा को और रोशन जो मेरा भैया है उनको ले गए आराम से सूट में। वहाँ गए, वहाँ पर हमको टोनी कक्कर भी पहचान लिया। बोलो अरे भाई साहब, ऐसा करके हाथ मिलाया वाला, ठीक। आप उनको पहचान लिया था ना? एक बार बताइए कि रियल वॉइस कैसा है टोनी कक्कड़ का, मतलब ओरिजिनल जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं वैसे, या फिर कुर्ता पैजामा? नहीं, वो उसका रियल वॉइस नहीं है। उनके गाने मेरे को बहुत पसंद है, टू बी वेरी। हाँ, गाना पसंद है लेकिन वो उसका रियल वॉइस नहीं है उस तरह का जो आप लोग सुनते हैं गाना में, वो चीज उसका रियल नहीं है, वो ऑटो ट्यून यूज करते हैं। तो उनको जब मिला बोले अरे आ गया सागर, ऐसे करके। तो हम मिले बोले कि वाह, हमको पहचानते तो हैं, चलो अच्छा बात है। लेकिन नेहा कक्कर सिर्फ मेरा हमको देखी थी उतना अच्छा से पहचानी नहीं थी। मिले जाकर के, चलो ठीक है सूट है। हम लोग कोई कुछ वहाँ बताया नहीं गया कि सूट क्या करना है, गाना बजेगा, आके लिपसिंग करना है, अपना पोज दिखाना, ये करना, कुछ तो बता दीजिए क्या करना क्या नहीं करना। खड़ा हो यहाँ पर, खड़ा हो गए, देखो क्या कर रहा है सब, एक एक करके आ रहा है सब, स्टेप कर रहा है, डांस कर रहा है, निकल रहा है, आ रहा है, स्टेप कर रहा है, अपना मूव कुछ कर रहा है, लिपसिंग कर रहा है सॉन्ग पे। अब पहली बार गाना सुन रहे, गाना का हमको लिरिक्स भी याद नहीं है, क्या कहेंगे वहाँ जाके। आधा घंटे तक सुने सुने सुने, हम एक पार्ट सुन लिए कि हमको बस यहीं पे जाके इतना ही करना है। गए, हमको बोला कि आपको जाके वहाँ पर करना है सिग्नेचर स्टेप जो आप आपको ये किए थे। सो बोले ठीक है, वहाँ गए, ये किए। और वो पता है वो जो सॉन्ग है ना, जो उसका मेन पार्ट आता है ना, नागिन जैसी कमर हिला, तो उसी टाइम पे मेरा ही आता है, जो उसका जो हुक लाइन है ना, जो मतलब कि उसको जो पंच लाइन है कि हाँ इस टाइम पे ये नागिन जैसी कमर हिला टा, तो उस टाइम में मेरा यही दे दिया था। उसी टाइम में मेरा ही है वो चीज़। आप भी नागिन से कम नहीं। खाली फन नहीं मारा। तो वो सब चीज़ सूट वगैरह फन निकालेंगे। वो सब सूट वगैरह खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारे क्रिएटर थे हमको पहचाना, हम उनको पहचाने, वो सबसे मिला हुआ। फिर सूट वूट कम्प्लीट होने के बाद सब लोग को बाय बाय किए, खत्म हो गया। फिर आ गए रूम पे, रात भर सोए। फिर सुबह उठ करके गए थे उधर, एक कौन सा बीच है वहाँ, जुहू बीच। हाँ, जुहू, बगल में जुहू पड़ता है, ठीक है। तो जुहू बीच है वहाँ पर ना, तो वहाँ से हम लोग वीडियो बनाए, फिर निकल दिए। अब बात था कि यहाँ से हम वापस घर कैसे जाएं, आधार कार्ड तो मेरे पास है नहीं, बताया था कि आईडी है नहीं। ट्रेन चले जाते हैं? अरे टिकट तो बुक था ना, उसमें रिटर्निंग का भी पहले से करके रखा था। क्या करे यार, गए वापस एयरपोर्ट पर, जो होगा देखा जाएगा, चलो वहाँ पर यार। तो फिर हुआ ये कि हम बोले कि हमको जो छोड़ने जा रहा था, हम बोले भाई तुम कैसे भी करके कांटेक्ट करवाओ नया कक्कर से, ठीक है, उसको यहाँ से बात करवाओ तो हमको जाने मिलेगा। क्योंकि हम तो वो होता नहीं है कि फोटो कॉपी वगैरह, आधार कार्ड तो निकलता है कहीं पे भी, उस टाइम पे नहीं पता था ना उतना। अब सुबह सुबह उठे और फ्लाइट था मेरा, अब उतना जल्दी कहाँ से क्या लेकर के आएंगे, वहाँ पर नया नया जगह हमको पता नहीं है कि कहाँ पर कौन कैफे क्या कैसा है। सो तो चल गए, हम बोले भाई बात करवाओ, वो लोग नेहा कक्कर से बात करवाया, बोला कि हाँ, तो उसके थ्रू उनको जाने मिला फिर वहाँ से। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मेरा है इस चीज़ से रिलेटेड कि मतलब आपको जब वहाँ बुलाया गया था तो कितना अमाउंट आपको पे किया गया था? कोई अमाउंट नहीं, किसी को भी नहीं। अच्छा, कोई भी क्रिएटर को नहीं, बस आने जाने का, रहने खाने का, बुफे था प्रॉपरली मतलब। लेकिन यही बात है, पता एक एक बंदे पे लगभग वो लोग 50-60 के वो लोग किए थे, सब लोग को दिया गया। हाँ, था दिया नहीं गया था, एक एक आदमी पे उतना लग गया उसका। अच्छा, 50-60 लगभग। हाँ, 50-60 लगा। और उसी तरह का मेरे जैसा क्रिएटर कम से कम वहाँ पर 40-50 होगा। बाप रे, सब लोग का 3-4 गाना आ जाता उसमें। तो नेहा कक्कड़ जी ने आपसे मिलकर कुछ कहा होगा, बात तो की होगी आपसे। हाँ, क्या बात की आपसे उस टाइम पे? देखो सब लोग बिजी थे, सूट पे थे, बस हाय वाय मिला, हाय कैसे हो ये, ठीक है। हमको बोली, जैसे हम सूट कर रहे थे ना, हमको बीच में बोले थे तुम वो वाला करना जो तुम करता है ना अपना, ये से करके वो करना। लेकिन हाँ, हमारा जानती तो है भाई, देखी वीडियो है। अब फाइनली मुझे लगता है कि अपने अगले सेगमेंट की ओर हमें बढ़ना चाहिए, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। ओके ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली राउंड की ओर, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड पावर्ड बाय होटल रिलायंस। सो तैयार है सागर जी? और एक बार नियम तो आपको पता होगा आई गेस, बट फिर से मैं बता दूं कि इसमें मैं बैक टू बैक आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसको आपको जितना हो सके कम शब्दों में उसका उत्तर देना, या फिर एक शब्द में भी आप उसका उत्तर दे सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, सो हियर वी गो, बढ़ते हैं अगेन रैपिड फायर राउंड की ओर, पावर्ड बाय होटल रिलायंस।
सो हियर वी गो। तो सागर जी, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपके इन दोनों में से फेवरेट सिंगर कौन है? पहला नेहा कक्कड़ जी या फिर टोनी कक्कड़ जी? एक चूज करना है आपको। नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़, ओके। कल को अगर सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म बंद हो जाते हैं तो आपका बैकअप प्लान क्या है, अगर आप कम शब्दों में बोलना चाहें तो? कुछ नहीं, बिजनेस। बिजनेस, ओके। कल को अगर आपको कोई 1 करोड़ ऑफर करता है तो क्या आप न्यूड फोटोग्राफी के लिए तैयार होंगे? नो। श्योर? ओके, चलिए। क्या आपका कभी किसी गे के साथ सामना हुआ है? हाँ। यस। आपको लाइन मारी है कभी? जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी तरह का नशा किया है? हाँ। ओके ओके। आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट फिल्म भागम भाग। भागम भाग, कॉमेडी। ओके, लगता है कॉमेडी आपको पसंद है। ओके, एक नहीं 3-4 है मेरा। ओके, भागम भाग, ढोल, हेरा फेरी, वेलकम, बहुत सारा मूवी है। टॉप पर भागम भाग। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इनमें से आपको अगर मौका मिले तो किस एक्ट्रेस के साथ आप डेट पर जाना चाहेंगे? कियारा आडवाणी, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट या फिर सनी लियोनी? कपूर। अरे खत्म होने से पहले सनी लियोनी एक बार सोच लो यार। श्रद्धा कपूर। ओके, श्रद्धा कपूर इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपने कभी किसी का प्रपोजल रिजेक्ट किया है? हाँ। यार दिल तोड़ दिया यार आपने। किसका दिल तोड़ दिया था वैसे आपने? है एक। ओके, चलिए कोई बात, कहीं और। मैं समझ गया ऐसी चीजें होती हैं सबके साथ। एक लड़की में आप सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हैं? अरे यार ये तो थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, साउंडिंग वेरी रॉन्ग, बट एक लड़की में आप सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हो? हेयर। सच में? क्योंकि मुझे हेयर से, सच में ओके, मुझे हेयर से बहुत प्यार है। हम अपना हेयर हमको खुद हमको बहुत अच्छा हमको रखना अच्छा लगता है। ओके, हम पहले से अपना हेयर को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और हम सब लोग का भी हेयर भी देखते हैं, हमको अच्छा लगता है हेयर देखने में। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रैपिड फायर राउंड को खेला हमारे। सो अब ये रैपिड फायर राउंड मेरी तरफ से यहाँ पर खत्म होता है। नाउ ओवर टू यू धीरज भाई। ओके सागर भाई, अभी तक जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको आपने एक वर्ड में आंसर देकर निपटा दिया। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसका बस हाँ और ना में जवाब देना है, और फिर अगर मेरे को लगेगा कि ये क्वेश्चन का मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके 2 वचन लिखे हुए हैं, हाँ और ना। ठीक है, कैमरा में आप एक बार दिखा दें। तो शुरू करा जाए गेम। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आपने कभी किसी टिकटॉकर या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर किसी रील के ऐसे इन्फ्लुएंसर को किस करा है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। कभी किसी टिकटॉक हेटर ने आपको छपरी बुलाया है? चलिए। कभी बाल का रंग चेंज करवाया आपने? चलिए। कभी पब्लिक में चाटा खाया है किसी भी वजह से, चाहे कोई भी लड़ाई हुई हो कभी भी? नहीं। चलिए, क्या कभी अपने फॉलोअर्स का फायदा उठाने की कोशिश की है? अनजाने में भी हो सकता है। नहीं। चलिए, पर मैं आपको इस जगह पर रुकूंगा कि आपके जो फॉलोअर्स थे, अभी आपने एक्सप्लेन भी करा था कि प्लेन में जब एंटर कर रहे थे तब भी आपके फॉलोअर्स, तो आप तो यही फंस गए। ठीक है, तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि फायदा तो उठाया गया। ठीक है, वो फायदा उठाया नहीं, वो मेरे को पहचान गए तो मेरा तो फायदा उठा। हाँ, फायदा उठाया, ऐसे जानबूझ के नहीं उठाया मैंने। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कभी कोई अश्लील वीडियो देखते हुए किसी से पकड़े गए हैं? नहीं नहीं। चलिए, क्या कभी किसी पे क्रश आया है और आपने उसको मैसेज भी करा है और उनके साइड से रिजेक्शन आया हो? लेकिन आप तो बता रहे थे कि आप जब से वायरल हुए तब से रिलेशनशिप में हैं। अरे बाप,
स्ट्रेस तो कोई भी बन सकता है। चलो ब्रेकअप मैं नहीं करूंगा आपका, चलो छोड़ो यार आगे बढ़ो। अंडरस्टैंडिंग है, बोला ना बंदा कि किसी भी लड़की के साथ अगर बातचीत हो रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। समझ रहो सागर भाई, नोटिस सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि कभी किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से, जब आपकी बहुत अच्छी किसी से जान पहचान थी और अभी के टाइम पे वो कोई बड़े स्टेज पे पहुंच गए और आप जब बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको नीचा दिखाते हैं? नहीं, चलिए कोई नहीं। क्या आपके अकाउंट पे कभी मल्टीपल रिपोर्ट्स आए हैं? बहुत। क्या किसी भी वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है? नहीं। चलिए ये जो राउंड है यहीं पे एंड होता है और बहुत ही सरलता से आपने इसका आंसर दिया। और ये जो राउंड था ये था पावर्ड बाय हमारे स्पॉन्सर होटल रिलायंस की तरफ से। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगा कि अगर आप भी बोकारो शहर में हो या फिर झारखंड के निवासी हो, बोकारो कभी भी आप विजिट करते हो तो आप अगर होटल रिलायंस आते हो और यहाँ के रेस्टोरों में जाकर डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करते हो तो होटल रिलायंस के तरफ से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप बी रियल बस 10 का कूपन यूज़ करते हो। सो जितने भी बाहर के लोग हैं या झारखंड के लोग हैं, जब भी आप बोकारो विजिट करोगे तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज होटल रिलायंस। तो सागर भाई, जैसा हाँ। कि आप अभी बहुत अच्छा गेम खेले, ठीक है? तो अब हम अपने कुछ ऐसे सीरियस क्वेश्चन पे आना चाहेंगे, ठीक है, जो मेरे मन में भी है और काफी लोगों के मन में भी है और आपको भी ये चीज फेस करना पड़ता होगा। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब जो भी लोग आपके कंटेंट देखते हैं, ठीक है, और जैसे पहले जो वीडियोस आपने बनाई और आज जो आप वीडियोस बनाते हैं, तो क्या आपको कहीं इस पॉइंट पे लगता है कि जो वीडियोस आपने बनाई थी वो किसी पॉइंट पे क्रिंज था? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं था वो क्रिंज। वो अभी सब लोग को दिख रहा है, वो सब अभी सब लोग को लग रहा है कि वो क्रिंज था। वही वीडियो आप देखते थे, ठीक है ना, 2019 में उस टाइम आपको वीडियो लगता था कि कितना अच्छा वीडियो है। अभी वो लोग, अभी वो क्रिंज लग रहा है। मुझे क्रिंज नहीं लगता है क्योंकि हम उसी से आगे बढ़ रहे थे। हम पहले, तुम भी वही चीज़ करता था, तुमको, तुम वो वीडियो देखता था, भाई इसका वीडियो देखना क्या बनाता है, तुम उसको पहले लगाता था अपना स्टेटस में कि ये सागर है, इसका ये सा वीडियो। अब तुमको वो लग रहा है क्रिंज। अभी का पता है, अधिकतर जितने भी जो टिकटॉकर थे ना, जैसे कि हम भी हो गए, सब लोग का पता है वीडियो में कमेंट क्या आता है कि काश ये हम पहले कर लेते हैं, हम भी फेमस हम भी कर लेते हैं, बस यही करना था हमको, बस। मतलब आप मानते हो ये बकचोदी है? नहीं, ये नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उस टाइम क्यों नहीं किए। अभी तुम लोग को लगता है कि ये चीज क्रिंज है, वो है, क्रिंज था अभी के हिसाब से, क्रिंज था उस टाइम के हिसाब से, क्रिंज उस तरह का नहीं था। उस टाइम सब लोग को अच्छा लगता था वो चीज, वो खुद बनाता था रोकर के वीडियो। अभी हम बोलते हैं, तुम भी अगर वीडियो बनाया होगा अपना ना, जाके चेक करो और तुम जाके, तुमको हंसी आएगा अपना वीडियो पर। हमको खुद हंसी आता, क्रिंज था उसका, हाँ पता है क्रिंज है, लेकिन हम अपने आप को नहीं मानते कि हमारा, मेरा वीडियो क्रिंज था। वो अब सब लोग को लग रहा है, ठीक है, कि ये हम कर लिए होते तो आज यहाँ हम भी रहते हैं, मेरे पास ये पैसा रहता, गाड़ी रहता, बंगला रहता, ये रहता। क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए? तो बस यही है कि सब लोग अभी आके इस तरह कमेंट करता है, बस इतना ही करना था हम लोग को भी। आज हम इतना, हम भी आज कार में घूमते, मर्सिडीज में घूमते, ये करते हैं, वो करते हैं। सागर भाई, जैसे कि आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने, अगर मैंने भी ये सारी चीज़ें कर ली होती तो मेरे पास बंगला होता, गाड़ी होता। तो क्या आपके पास बंगला और गाड़ी है? मेरा अपना घर है, मेरा गाड़ी है, बस, और क्या चाहिए। चलिए, घर वाले पूछना था, तो इससे एक सवाल मैं जोड़ लूँ पहले, कि सागर गोस्वामी अभी के वक्त क्या उनकी इनकम है, कितना पैसा कमाते हैं? सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को अगर मर्ज करें, एक एवरेज इनकम अगर आप अपने व्यूअर्स को, अपने पब्लिक को बताना चाहें। मैं सीधा तो नहीं बता सकता, बट मेरा सब कुछ निकल जाता है उससे, घर में भी मेरा सब कुछ चल जाता है। ऐसा हो गया है ना अब, कि पहले हम कहीं भी जाते थे अपना फ्रेंड सबके साथ, तो हम अपना पैकेट से पैसा नहीं निकाल पाते थे। अब क्या है कि जितना भी फ्रेंड जाता है मेरे साथ में ना, तो हम इतना अभी कोशिश करते हैं ना कि सबका पैसा हम दें, वहाँ पर सारा का बिल हम दें, और वो चीज़ अभी करते हैं हम। तो क्या आप मुझे दोस्त मानते हो? जी, चलिए चलिए, तब तो टेंशन फ्री हो गया। चलिए बोले हो ओके। इतना हो गया है कि अब घर वाले कोई कुछ नहीं बोलता, और जितना हो पाता है
हो जाता है। देखिए अब देखिए जितने भी यहाँ इन्फ्लुएंसर आते हैं ना सब यही कहते हैं कि यार घर चल जाता है, बस काम निकल जाता है। चलिए आप उतनी डीप इंफॉर्मेशन आप मत दो, बट मैं ये पूछना चाहूंगा आपको अगर कोई ब्रांड के लिए ऑफर आता है तो आपके क्या चार्जेस रहते हैं अपने स्टोरी पर ब्रांडिंग करने के लिए या प्रमोशन करने के लिए, आप कितने चार्ज लेते हो? क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि यार बी रियल बस का हम जरूर जल्दी प्रमोशन करवाएंगे हम सभी साथ में मिलकर। अभी का ऐसा हो गया है ना, अभी के हिसाब से पता पहले के हिसाब से अभी बहुत ज्यादा रेट हो गया है ये सब का। अभी ना प्रमोशन बहुत आता है बट सब उतना पैसा दे नहीं पाते हैं क्योंकि अभी लगभग हम फिर भी एक एवरेज 50-60 ले लेते हैं। 50-60 करोड़ 1000 हाँ ओके चलिए मतलब हमारे बजट से थोड़ा सा ज्यादा है बट हम कोशिश करेंगे कि कोशिश करेंगे कि हम आपकी फोटो अपने स्टोरी पे लगा दें। हाँ तो भाई अब ये सब चीजें तो हुई, अब मैंने आप एक चीज नोटिस करा ना, बहुत देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप हर जगह पे अपने फ्रेंड्स का जिक्र बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब कैसी दोस्ती रही है आपकी, कैसी यारी रही है? दोस्ती अब पहले ऐसी नहीं रही है, जो पहले था वो अब नहीं है। पहले कैसा था? पहले दिखावा था, अब दूर रहता है उस चीज से हम दूर रहते हैं कि नहीं भाई तुम नहीं है वही अच्छा है मेरे लिए, हम उससे बात भी नहीं करने जाते हैं अब। तो पहले का दोस्त कुछ ऐसा था ना, फायदा वाला दोस्त था, धीरे धीरे समझ आया तो फिर उससे हम अलग होते गए। अभी जो मेरा कुछ कुछ फ्रेंड्स बचा है, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके बारे में बताया था आपको, अभिजीत करके एक वो है फ्रेंड, एक मेरे निशिकांत भैया, वो जो कि भैया मेरे से 10 साल सीनियर है बट हम उनके साथ दोस्त के जैसा रहते हैं, कहीं भी जाते हैं कुछ भी करते हैं कुछ नहीं, हम सीधा बोलते हैं उनको प्यार से बोलते हैं जोनू भैया, ठीक है। और उसके बाद एक रोहन है जो कि कॉमेडी वीडियो बनाता है वो, और भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कि साथ में रहते हैं, और भी जो पहले के दोस्त हैं जिनसे अभी बात बहुत कम हो गया है, बात होता है। हाँ, और एक सुधांशु भी है, ओके, वो भी वीडियो बनाता है, वो अभी तक वीडियो बना रहा है। बस एक सुमित है जो कि वो वीडियो बनाना छोड़ दिया है, अब वो सीधा अपना काम करता है। को आप ये बताओ सागर भाई, कोई ऐसा स्ट्रगलिंग आपका किस्सा जो आप और आपके हाँ। दोस्तों के बीच में ही है, ठीक है, और कोई नहीं जानता हाँ। है कि भाई इतना इस लेवल पे जो पहुंचे हो हाँ। उसमें क्या रोल रहा है आपके दोस्तों का? क्या हुआ था ये बात किसी को नहीं पता है, और ये बात मेरे ख्याल से शायद ही किसी को पता भी नहीं हुआ कि ये चीज हुआ भी है। एक मेरा सूट था, मतलब मेरा फेमस होने का जस्ट एक महीना के बाद एक मेरा सूट का बात हुआ दिल्ली में, ठीक है ना। एक लड़का था तो हम लोग का टीम वगैरह था, तो वो बोला ना, हम लोग बोले भाई ऐसे नहीं जाएंगे, उस टाइम हम लोग का था ना कि मतलब सब दोस्त थे तो कि नहीं हम भी साथ में जाएंगे ऐसा करके। तो हम लोग 5-7 लड़का गए वहाँ पे, गए सूट में, वहाँ बोल के गया कि आपको आपका सूट है, एक आपका मेन लीड है, ऐसे करके ये करना वो करना। वो बंदा क्या किया वहाँ जाने के बाद, ऐसा वहाँ पर वीडियो में दिखा रहा था ना कि हम सामने हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो एडिट होके निकल रहा है कि हम उसके बैकग्राउंड डांसर हैं। हाँ, उसका एडिट में वो चीज़ दिख रहा है कि हम पीछे डांस कर रहे हैं उसका, सब कुछ उसकी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है दोनों, और वो दोनों खास कि उसी का ही एल्बम है, बस हम पीछे हैं, बस हमको पेमेंट दिया गया, आने जाने का दिया गया। जब उसका वीडियो कंप्लीट हो गया ना, तो फिर ऐसा हो गया कि बकझक हो गया हम दोनों में, पूरा लड़ाई झगड़ा। तो वो क्या किया, वो छोड़ दिया सीधा, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बोला, ठीक जाओ ऐसा करके जाओ। हम लोग एक जिसका सॉन्ग था, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, वो अपना स्टूडियो में हम लोग को बुलाए, बोले कि यहाँ पर आओ रुको। हम लोग उनका स्टूडियो में जाके रुके, वो ना ही पेमेंट दे रहा है ना ही कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं। हम लोग फिर अपना पैसा से वापस गए। तो वो सब कुछ कुछ जो था जो हम लोग देख चुके हैं सारा फ्रेंड्स, सब उस टाइम पे उतना हम लोग के पास पैसा भी नहीं रहता था कि हाँ हम लोग अपने से कुछ करें चल जाएं ऐसा करके। हम लोग उसी के भरोसे आए थे कि हाँ वो हम लोग को आने जाने का सब कुछ कर देगा, पैसा हम लोग का जो पेमेंट बात हुआ था वो मिलेगा और हम लोग आराम से चल जाएंगे अपना सूट उठ करके। पहला बात तो सूट में दिखा कि हम बैक साइड हैं, सेकेंड हुआ कि सूट खत्म होने के बाद हम लोग को भूल गया सीधा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ जिसका नाम है कैच मी इफ यू कैन पावर्ड बाय होटल रिलायंस। तो चलिए मैं आपको सागर भाई इसके रूल्स बता देता हूँ, ठीक है। मेरे हाथ में एक बॉल है जिसमें है बहुत सारी पर्चियाँ,
और जो मेरा दोस्त है रोहन उसके कान में लगे ईयरपॉड्स और बज रहे हैं बहुत तेज गाने, ठीक है। तो आपको करना यह है कि इनमें से मैं कोई भी एक पर्ची उठाऊंगा जिसमें लिखा है जो भी वर्ड, मैं आपको वो बताऊंगा और आपको एक्ट करके इसको वो वर्ड समझाना है। अगर आपने सही सही गेस कर लिया तो हमारे तरफ से और होटल रिलायंस की तरफ से भी आपके लिए एक तोहफा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले वर्ड से मैं शुरू करता हूँ, ओके, ठीक है। तो गाना बज रहा है ना? गाना बज रहा है, ओके चले बज रहा है। चलो तो पहला वर्ड है क्या माल है, ठीक है। क्या, किसका, क्या, कितना, क्या, क्या माल है, कितना, किसका, क्या, क्या, हाँ, क्या, हाँ, माल, माल, क्या माल है, किसका माल है, क्या, पहला वर्ड क्या, किसका माल, माल तक सही है, wait, हाल, wait, क्या हाल, रुको, क्या, क्या, माल, माल है, है। अरे वाह 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 वाह, पहला तो वर्ड बहुत अच्छे से गेस किया है रोहन भाई। चलो दूसरे वर्ड पे चलते हैं, ओके। अरे आवाज आ रहा है, आ रहा है ना भाई, भाई भाई, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो तो दूसरे वर्ड पे चलते हैं, दूसरा वर्ड है रात की रानी, रात, रात, क्या, हाँ वही वही, रात, 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 ई, रात, ई, रात, ई, की, हाँ, रात की रानी, रात की रानी, अरे पर्ची पड़ा है, ये हमको लग रहा है पर्ची पड़ा है, ठीक है। चलो तीसरा वर्ड लेके चलते हैं, ओके भाई, बहुत जल्दी इजी हो जाएगा यार, हम बहुत इजी दे रहे हैं, मेरा दोस्त है ना, हमको अच्छा नहीं लगेगा, आ जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट है सागर की टपरी, है सागर की टपरी, सागर की टपरी, मेरा नाम सागर, मेरा, सागर, मेरा, मेरा सही है ना, मुझे सागर, मेरा नाम, मेरा नाम सागर, मेरा नाम सागर, मेरा नाम सही है, सिर्फ ना, सिर्फ सागर, 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 मेरा सागर, चाल, सागर, सागर, सागर की सागर की टपरी, चाय पत्ती, टपरी, सागर की टपरी, कमी, टपरी, टंगड़ी, छपरी, टपरी, टपरी, सागर की टपरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। टीम मेंबर्स मतलब तीन टीम मेंबर्स को मैं यही बोलूंगा भाई, इतने टफ टफ वर्ड्स लिखे यार, कुछ टफ नहीं है इसमें, सागर की टपरी, वो बंदे का एक्टिंग अच्छा है, ठीक है, मानना पड़ेगा सागर भाई, वो बंदे का अभी वो अच्छा कर रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड पे चलें, मजा आ रहा है लेकिन, सुन रहा है क्या बे? नहीं नहीं सुन रहा है। चलो नेक्स्ट है चलिए, सांड के बाल, सांड के बाल, सांड के बाल, ऐसा क्या है भाई सब हंस रहे हैं, सांड, 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 अरे भाई पढ़ा हुआ है बे, ये पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, सांड के बाल, सांड के बाल, आप देखो एक बार धीरज भैया ने भी कहा, पूछा था गेस्ट से कि आप अच्छा खेल रहे हो कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, वही सेम सवाल है, मेरा भी यही सवाल है, ओके क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वर्ड है सागर चोर, सागर चाय, सागर, 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 हाँ चोर, सागर भाग गया, लेकर भाग गया, चोर, चोर, सागर चोर, ओके, दिस वन वाज रियली गुड। अगला वर्ड है मैं कुत्ता, मैं हाँ हाँ कुत्ता, कुत्ता, मैं कुत्ता, तुम कुत्ता, ओ भाई। चलो अब इसको अब एंड करते हैं, लास्ट वर्ड है मेरे साइड से, ठीक है, कोई नहीं, सागर भाई को आपने चोर कह दिया, मुझे कुत्ता कह दिया,
मेरा अलग इंसाफ होने वाला लग रहा है। चले लास्ट लास्ट वर्ड है, ठीक है, ये है पिज्जा लवर। सिंपल, पिज्जा लवर, पिज्जा लवर। टेबल, केक, पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा लवर, पिज्जा लवर। चलो 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 भाई, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों ने गेम खेला है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ से दिखाए हैं सागर भाई को, एकदम प्रॉपरली एक्ट कराया बंदे ने और प्रॉपरली रोहन ने पकड़ा भी है, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर है कि क्योंकि इजी वर्ड दिया तो ये मेरा रोल है कि अब इजी वर्ड हो गया, देखे हर गए तो देख रहे हो ना, मैंने कहा था ना शुरू में ही कि दो बार ये खेल चुके हैं और इसीलिए अभी कंपटीशन होने वाले, और मुझे लगता है कंपटीशन में मैंने जीत हासिल कर ली। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये गेम कैच मी इफ यू कैन पावर्ड बाय होटल रिलायंस। और सागर भाई, होटल रिलायंस की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल हैम्पर भी है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज यार हैम्पर लेके आओ जल्दी से। तो हियर वी गो, धीरज भैया प्लीज हैम्पर आप सागर भाई को दे दें। ये छोटा सा भेंट होटल रिलायंस की तरफ से आपके लिए, एक प्यारा सा हैम्पर हम सबके तरफ से और खासकर होटल रिलायंस की तरफ से। थैंक यू सो मच आप सबके, पूरे टीम का। हाँ, इतना प्यारा बनाया भाई, किसका दिमाग? ये होटल रिलायंस की तरफ से है। ओके ओके, थैंक यू सो मच होटल रिलायंस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको ये बता दूं कि अगर आप होटल रिलायंस आते हो और यहाँ आकर यहाँ के रेस्टोरेंट में आप डिनर करते हो, लंच करते हो या ब्रेकफास्ट करते हो, कुछ भी यहाँ आकर खाते हो, तो आप हमारा कूपन यूज कर सकते हो जिसका नाम है BRealBuzz10, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो जल्दी से होटल रिलायंस आओ और डिनर करो, लंच करो या ब्रेकफास्ट करो, जो दिल चाहता है वो करो। सागर भाई देखिए, आपने जैसा कि कहा कि अचानक रातों रात एक वीडियो आपकी वायरल हो जाती है, प्यारी प्यारी दो अखियाँ, तो एक आप बहुत ही साधारण फैमिली से थे वायरल होने से पहले, या अभी भी आप हो, बट उस वक्त आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति थी कहीं ना कहीं अभी के मुताबिक कम थी, या आपने अचानक देखा कि एक जो होता है ना कि लाइमलाइट मिलते हुए देखा अचानक, और उस वक्त आपकी एज भी काफ़ी कम थी, तो क्या अचानक से जब आपको ये सक्सेस मिला तो आपके अंदर कभी ऐसा मोमेंट आया कि आप में कोई किसी तरह का कोई घमंड आ गया हो या किसी से आपने कोई बदतमीजी कर दी हो, बट बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, इसे मुझे संभालना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए? ये चीज़ हुआ है हमको। हाँ। घमंड हुआ था एक, जब कोई नॉर्मल बंदा है उसके पास अचानक से इतना सारा पैसा आ जाएगा ना, तो वो थोड़ा ये करके थोड़ा घूमने लगता है, तो वो चीज़ में मेरे साथ हुआ था। जब मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हो गया तो हम यहाँ उड़ाने लगे, वहाँ उड़ाने लगे, ऐसे करके कोई फ्रेंड को चलो भाई कहाँ जाना, चलो ऐसा करके कुछ भी है, चलो कहाँ जाना, ये खाना लो, ये लेना वो, ऐसा हो गया था। तो मतलब सबका चेहरा वगैरह हम आने लगे थे, तो फिर अचानक से ना अचानक गिर गए, फिर बंद हो गया सब कुछ, फिर नॉर्मल हो गए। बोले अब साला उस चीज़ का तुमको आदत लग गया, सुबह से उठ के यहाँ जाके ये खाना है, शाम में यहाँ पर जाना है, उसका आदत लग गया है, कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर जब धीरे धीरे पैसा आना स्टार्ट हुआ तो अब हम किसी को कुछ नहीं दिखाते हैं। पहले जो था, पहले हम बहुत उड़ाएँ और हम वही सोचते हैं कि इस चीज़ को हम अगर रख लिया करते ना तो अभी हमको बहुत काम देता वो चीज़, वो पैसा हमको बहुत काम देता, जो हम अपने ऊपर रिग्रेट करते हैं वो चीज़ को लेकर के, कि हाँ हम वो उस टाइम पे गलत किए हैं कि ये जो पैसा हम यहाँ उड़ा रहे थे, यहाँ ये कर रहे थे, तो वो हम गलत किए हैं। एक एक दिन में 10,000-15,000 कहीं भी कुछ भी करके उड़ा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ बिना मतलब का, ये काम का भी नहीं फिर भी ले रहे हैं सिर्फ घर में रखने के लिए, कुछ भी कर दे रहे हैं हम अपना डेली का, मतलब रोज का रोज नया नया कपड़ा, ऐसा सब उड़ाते थे खूब पूरा, मतलब कि ऐसा हो गया था, मतलब सुबह में खाना, शाम में शमियाना, घर में खाना ही नहीं, घर में खाना बंद, कुछ नहीं, बाहर गए, बाहर खाएं, जो भी कुछ किए, डेली कपड़ा कुछ लिए, कुछ भी लिए, यहाँ पसंद आ रहा ले लो, उठा लो, ऐसा वो बहुत कुछ उस तरह का हुआ। अब मेरा होता है ना कि एक महीना हो पाता शायद एक बार ही कपड़ा लेते होंगे हम, अब मेरा बहुत नॉर्मल हो गया। बीइंग एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि अभी मेरे साथ रोहन है, ठीक है, और कल को मेरे पास ना अचानक से लाइमलाइट आ जाती है, फेम आ जाता है। अब ना कल को ऐसा होता है कि मैं रोहन को बोलता हूँ कि भाई तू अब शो से बाहर है, ठीक है, अब इसको होस्ट मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फेम है, मेरे पास लाइमलाइट है, ठीक है, तू अब देख ले अपना, है ना। तो वो एटीट्यूड जो होता है कि भाई घमंड सा आ जाता है इंसान के अंदर, तो वो चीज़ हुई है।
मेरे साथ हम कभी कभी नहीं किया ऐसा, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में सब लोग को सब बहुत फ़ायदा उठाया मेरे से, ये आके वीडियो बनाया, वो आके वीडियो बनाया, इसका फॉलोअर्स बढ़ रहा है, उसका फॉलोअर्स बढ़ रहा है, मतलब हम ऐसा किसी के साथ नहीं कि मना करते थे कि हाँ मेरे साथ वीडियो मत बनाओ, सो जो आया उसके पास वीडियो बनाए, बट आज के टाइम पे वही मेरे साथ नहीं है, और जो मेरे साथ वीडियो नहीं बनाता था रेगुलर वो आज मेरे साथ में है। तो इसी वजह से क्या, क्योंकि पहले आप, मैंने आपके पहले के वीडियोज़ देखे हैं शायद टिकटॉक के, उसमें आपकी एक टीम भी हुआ करती थी, बट अब आप नहीं है, जितने भी वीडियोज़ बनाते हो आप इंडिविजुअली उसमें परफॉर्म कर कर उसको अपलोड करते हो। अभी बस तीन लड़का बचा है जो कि वीडियो बनाता है, एक हम, एक है सुधांशु और एक है मेरा फ्रेंड, एक है वो रोहन, और एक और है जो निशिकांत भैया जो मेरे से बड़े हैं, वो YouTube पे ध्यान देते हैं, उनका एक अलग अपना पेज है रांची के नाम से, वो अपना रांची वाले भैया वो चलाते हैं, अब वो भी वीडियो बनाते हैं और YouTube पे अपना कुछ मिनी व्लॉग वगैरह उनको चलता अच्छा खासा, वो अपना करते हैं, बस तीन चार हम लोग हैं इतना ही करते हैं, बाकी सब बंद है सबका, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। फैजू जो है मिस्टर फैजू, उन्होंने आपके साथ डुएट बनाया था, तो क्या डुएट बनाने के बाद आपसे कभी बात करने की कोशिश, या आपकी कभी बात हुई है या अभी होती है? नहीं अब नहीं होता बात, पहले बहुत बात हुआ, मेरा टिकटॉक जब आईडी हैक हुआ था तो मैंने उनसे हेल्प ही मांगा था कैसे कैसे करें, हम बोले कि जो टिकटॉक का टीम है उनसे बात करिए, कुछ हेल्प करिए, वो भी बहुत कोशिश किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, उनसे भी नहीं हो पाया, बहुत कुछ बात किए हैं, मतलब कि आओ यहाँ पर आके मिलते हैं, हाँ जब हम गए थे ना शूट पे नेहा कक्कर का, तो उनको जाकर वहाँ पर कॉल किया था कि हम यहाँ पर आए हैं और हमको सुबह सुबह निकलना है, तो कहाँ पर हम आके मिलते हैं ऐसे करके, सो थोड़ा सा तो बोला कि सागर अभी हम ना एक बर्थडे पार्टी में आए हैं, बोले किसका, तो बोलता अवनीत कौर का बर्थडे का पार्टी में आए हम, तो अभी नहीं आ सकते, बोला कि तुम एक दिन और रुक जाओ, बोले नहीं भैया हम अकेले आए हैं और हम आज से ज़्यादा रुक नहीं सकते हम, तो फिर बस एक वही चांस था मिलने का, उसके बाद से फिर ना ही हम उनसे कॉन्टैक्ट किए ना वो हमसे कॉन्टैक्ट किए, और उसके बाद से बात बंद हुआ है, बात बंद हुआ है। जैसा कि मैंने आपकी प्यारी प्यारी दो अखियां वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने गौर किया कि आपका जो मकान था, बोलते हैं कच्चा मकान, कच्चा मकान, कच्चे मकान में, मतलब कच्चे मकान में मतलब आप वीडियोस बनाते थे, तो मैं जानना चाहूंगा उस वक्त आपकी फैमिली की क्या स्थिति थी, फाइनेंशियली हो, या मैं जानना चाहूंगा आपकी फैमिली, आपके पापा, ये सारे लोग क्या करते थे उस वक्त? उस टाइम ना वो घर बन रहा था, ठीक है, सिर्फ वो ईटा लग गया था और उसमें कुछ प्लस्तर वगैरह नहीं हुआ था, और वो भी पता वो मेरा घर नहीं था, वो था मेरे बड़े पापा का घर, क्योंकि हम लोग साथ में थे, उनका घर मतलब कि एक फ्लोर पे ऊपर बन रहा था, तो वहाँ पे जाके वीडियो बनाए थे, और उस टाइम पे हम लोग के पास, हम लोग पाँच थे, मतलब हम लोग का जो पाँच फैमिली है, मेरी दोनों बहन, हम मतलब अकेले, और मेरे पापा और मम्मी एक रूम में रहते थे, एक रूम में रहते थे हम लोग के पास बस एक रूम था स्टार्टिंग में सबसे पहले, फिर सब हम लोग का जो होता है थोड़ा सा, हम लोग का नहीं बोलते बंटवारा होता है गोतिया वगैरह में, है ना, तो वो जो बंटवारा हुआ तो हम लोग का एक और रूम मिला फिर, तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल है, पुराना वाला घर उसका देखिएगा ना इतना मोटा मोटा दीवार, ऐसा दीवार, तो वो बंटवारा हुआ, जब मेरा थोड़ा फेमस वगैरह हो गए तो धीरे धीरे से फिर पैसा वगैरह आना स्टार्ट हुआ, स्पॉन्सर वहाँ से आने लगा, ये सॉन्ग प्रमोशन, इसका मतलब अमेजोन से प्रमोशन आ रहा, फ्लिपकार्ट से प्रमोशन, मतलब जहाँ तहाँ से ये सब प्रमोशन वगैरह आ रहा, तो धीरे 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 करके एक और मेरा घर, मेरा घर का ही बगल में जो हम लोग का जमीन था उस पर हम लोग का घर एक और बना है। एक बात तो हमको आपको पिंग करना था अभी थोड़ा देर पहले, कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि ऐसा स्थिति आ गया था कि बहुत रोए थे, ठीक है, जब आपका बैन हुआ था, हाँ ठीक है, तो आपको उस मोमेंट पे ये नहीं लगा कि अभी बहुत रो रहे हैं, हो सकता है कि एक वीडियो और ऐसा ही बना दे तो फिर वायरल हो जाएगा? बनाए हम उसी टाइम पे रोते, रोते नहीं, उसके दो चार दिन के बाद जब न्यू आईडी बनाया ना हम, तो उस पर वापस वही वीडियो डाले हम, मतलब रोता हुआ ही सेम, मतलब उसी तरह का कॉपी किया हम, फिर से वही वीडियो बनाया हम, वैसा ही रोए, और हम असलियत बताते हैं जो कि जो सिंगर था उस गाने का, वो जो सिंगर था उसका शायद क्या नाम था, ओजला करके कुछ था, हमको नाम याद नहीं आ रहा है कुछ। कम ऑन सागर जी, आप वायरल हुए हैं उस गाने से, नहीं, नहीं, सिंगर का नाम हम बताते हैं ना क्यों हमको याद भी नहीं है, अरे ऐसा आदमी क्योंकि उसका वीडियो से ज्यादा व्यूज, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि ऐसा आदमी का नाम भी याद नहीं रखना चाहिए। जी जी सही बात है, नाम लेना भी नहीं चाहिए, सही बात है, इज्जत होती है, रिस्पेक्ट देते हैं हम, हाँ इसलिए याद ही नहीं रखने का।
आप लोग गलत वे में ले रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं ना कि हम इज्जत दे रहे हैं, इज्जत नहीं दे रहे हैं हम उनका। उसका भी एक रीजन है कि जब हम हुए थे ना तो वो कॉन्टेक्ट किया हमसे रील वगैरह डाल के, सागर आप अगर जैसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करिए, मिलिए। ठीक है, मिले उनसे, मिले नहीं, मतलब सिर्फ कॉल वॉल पर बात हुआ। सागर हम ना एक और इस यही सॉन्ग पे एक और वर्जन बना रहे हैं, थोड़ा सा पंजाबी टाइप से, इस पर वीडियो बनाओ, इस पर बनाओ। हमको सॉन्ग सेंड करा, उसका वीडियो हम वीडियो बना दे रहे सेम सॉन्ग पे उसी तरह। बोल रहा ना कि सागर भाई ना आप ना आओ हमारे साथ प्रोजेक्ट कुछ करते हैं ऐसा करके। सो तो बोले ठीक है। तो हम उस टाइम पे हम थे छोटा, मेरा शायद एज था शायद 16 साल के हम थे उस टाइम पे। तो बोला था हम तो घर से वैसे भी हमको अकेले कहीं जाने मिलता नहीं है, तो घर वाला बोला कम से कम 3-4 लड़का साथ में लेके जाओ। और वो बंदा हम लोग को दे रहा है 10,000। 10,000 में 3-4 लड़का आना जाना, तुम लोग को जो करना है करो। अब हम लोग बोले क्या करें यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बोले भाई हम एक मिनट, अगर आप ही का गाना है, आप ही अगर हम आपका गाना पे हम रील बना दिए, आपको तो कुछ तो होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे पास आए, हमको आके थैंक यू सामने से आके आप खुद बोले आकर के कि हाँ भाई आपके कारण मेरा 350 मिलियन उसमें व्यूज है, आपके कारण हम इतना पैसा कमाए है कि नहीं। और आप हमको 10,000 में 4 लड़का बुला रहे हैं कि यहाँ पर आप आइए और आके कुछ मतलब करते हैं ऐसा करके। सो कोई जेस्चर नहीं था उनके साइड से। अगर मेरा भी अगर ऐसा भी रहता ना, हम उसको सामने जाके बोलते थैंक यू भाई आपके कारण मेरा ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उसका गाना पे 1 मिलियन तक नहीं था व्यूज उसमें। अच्छा, 1 मिलियन भी नहीं था। हाँ। और सिर्फ मेरे वीडियो से उसका 350 मिलियन आज है। बाप रे। तो खैर ये सब चीज तो लाइफ में आता रहता है, ठीक है। अब इससे आपको बहुत तरह का सबक भी मिला हुआ कि भाई बहुत कौन सा लोग कैसा है, क्या विचार रखता है, और आज के टाइम पे कैसे समझने में टाइम लग गया थोड़ा। एक कोई मूवी का डायलॉग या कोई ऐसा एक मोनोलॉग एज एन एक्टर जो आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, मैं चाहूंगा एक बार जितने भी व्यूअर्स हैं उनके तरफ आप देखकर एक कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा एक्टिंग मोनोलॉग जो आप अपनी तरफ से पेश करना चाहेंगे। क्या आप अभी खुद बताएं कि अभी आप अपने वीडियोस में चेंजेस ला रहे हैं और खुद से ही डबिंग करते हैं, मतलब अपने वर्ड्स को बोलते हैं। अभी तो मैं ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी का डायलॉग नहीं, बट मैं अभी शायरी मारता हूँ तो आप लोग को कुछ मैं सुना सकता हूँ। ओके, कोई नहीं। हाँ, ठीक है, गो अहेड। तो ये शायरी है कुछ दिल टूटे आशिक का। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ था जो कि हम इस पे वीडियो वगैरह बना चुके हैं, बट आप लोग को सुनने में अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो एक बार वाह कर दीजिएगा। तो ये था कि पत्थरों से प्यार किए नादान थे हम, गलती हमसे हुई क्योंकि इंसान थे हम। आज जिन्हें तकलीफ होती है हमसे बात करने में, आज जिन्हें तकलीफ होती है हमसे बात करने में, कभी उस शख्स की जान थे हम। मार डाला। अब इसी बात पे सम्राट भैया मेरा लाइन काटना मत। तो अभी मैं भी एक लाइन आपके लिए बोलना चाहूंगा। आप इतने खूबसूरत हैं, अरे मैं क्या करूं। अजी जरा वावा तो फरमाइए। वावा वावा, अरे मेरे साइड से वावा। हाँ। आप इतने खूबसूरत हैं, मैं क्या करूं, सारे जमाने की आप पर है नजर, मैं क्या करूं। जी चाहता है इस जमाने में आग लगा दूं, जी चाहता है इस जमाने में आग लगा दूं, पर इस जमाने में एक घर आपका भी है, मैं क्या करूं। वही घर में टिकटॉक बना के आज तक इतने बड़े फेमस हुए हैं लड़के, ठीक है, हमारे साथ बैठे हैं, मत जलाना भाई। हम वो घर में हैं। अच्छा, अभी बट जो अपने लोग हैं ना दिल में है। गैर तो गैर हैं, गैरों से गिला क्या। गैर तो गैर हैं, गैरों से गिला क्या। अरे मेरे भाई अपने तो अपने हैं, बट अपनों से मिला क्या। अरे वाह 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 वाह। चलिए, तो अब मेरे को बस अब ये बताइए कि बी रियल बस पे आप आए, आपको लगा कैसा। बहुत अच्छा लगा। ये मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। मेरा ऑफर हमको बहुत जगह से आया बट हम नहीं किए। मेरे को लगा कि हाँ ये थोड़ा सही टाइम है कि अपना अपने बारे में कुछ बताना, अपने लाइफ के बारे में बताना। तो फिर हम डन किए, क्योंकि हम लोग आप लोग से पहले भी एक बार मिल चुके थे। इसलिए क्योंकि हमको आप लोग को जानते हैं, हम आपका जो फ्रेंड है आनंद, वो हमसे कांटेक्ट किया था पहले भी। तो हमको हम बोले कि हाँ इनसे तो कांटेक्ट है, प्लस में ये कि बगल में ही है, बोकारो में, कोडरमा बोकारो बगल में ही है। तो बोले कि हाँ जाना चाहिए,
तो चलिए खैर अच्छा ये तो आपने बताया अपने बारे में, पर थोड़ी सी मैं तारीफ सुनना चाहता हूँ हमारे सेट की। तो कैसा लगा? सेटअप आपका बहुत अच्छा है, आप लोगों का स्टार्टिंग बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि भगवान आप लोग का चैनल को ऐसा बूस्ट करे कि आप लोग नंबर वन पे जाए। चलिए आपने इतना बोल दिया काफी है, बट मैं चाहूंगा सागर भाई इस एपिसोड को एंड करने से पहले आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके फैंस और इस बी रियल बस के जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको अपनी तरफ से इस चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दो, लाइक करने बोल दो, बाकी आपको पता है। जी 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 हाँ। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो क्या कर रहे हैं, नीचे जाइए, नीचे रेड कलर का बटन होगा बी रियल बस का, उस पर क्लिक करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा फिर भी लाइक करिए, कमेंट करिए मेरे लिए एंड भाई लोग के लिए, क्योंकि भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर एक एक आदमी सब कुछ सेटअप कर रहा है, पूरा टीम है, एक एक चीज़ संभाल के रख रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से कुछ हिल जा रहा है। तो आप लोग से यही है कि भर भर के भाई लोग को प्यार दीजिए और जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए और बस फैलाइए वीडियो को एंड ये भाई तो हैं आगे लगाने के लिए। और फिर से आपको आना है कभी। जी जी इस शो पर आप जब बुलाएं तब आ जाएंगे हम बगल में। और एक एक गुजारिश और रहेगा, ठीक है? चलिए ये जैसे ही सेट बंद होता है उसके बाद फिर एक रील का भी फरमाइश है हम लोग की तरफ से। वो तो बनना चाहिए। ठीक है चलिए, तो फिर बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, बहुत ही हम लोग भी खुश नसीब है कि हम लोग आपसे मिले, इतना अच्छा मौका मिला, इतनी बातचीत हुई और इतना कुछ जानने का मौका मिला आपके बारे में। और आप हमारे सबसे यंग गेस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट के, तो देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतने यंग हैं आप और इतनी कुछ, इतने स्टोरीज आपने बताई, इतने स्ट्रगल के बारे में बताया। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो सागर भाई हम दोनों से आपको बातचीत करके कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। भाई हो गया ना अभी इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि मुझे घर निकल रहा, देखो ना रात का 1 बज गया है और सोना भी है मेरे को ज़रा। अरे नहीं नहीं सागर भाई, रात काफ़ी हो गई है और होटल रिलायंस की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल रूम है ना यहाँ पे, सारी व्यवस्था। रूम का बात नहीं, मुझे भूख भी लग गया, घर जाके खाना वगैरह खाना है, तो मैं अभी फिर निकलता हूँ मैं। हाँ तो सागर भाई आपको भूख लगी तो टेंशन क्यों ले रहे हो, होटल रिलायंस के पास अपना रेस्टोरेंट भी है ना भाई, अभी खाना मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। और यहाँ पे आपको हर तरह की सर्विस अवेलेबल मिलेंगी और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। सो गाइज ये था हमारा शो बी रियल बस स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस। और जाने से पहले एक आखिरी बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप होटल रिलायंस के रेस्टोरेंट में आते हो और यहाँ आकर डिनर लंच ब्रेकफास्ट करते हो तो बी रियल बस 10 का कूपन यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो आज का सफर यहीं तक था, होप ये एपिसोड भी आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना आपको पुराने एपिसोड पसंद आए हैं। तो अगले एपिसोड में जल्दी ही मिलते हैं नए लोग और उनकी नई सफर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।